फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सरसों की नई फसल तैयार होते ही इसका दाम घटने लगा है। देश के कुल सरसों उत्पादन का लगभग 41% पैदा करने वाले राजस्थान की अलवर, भरतपुर, जयपुर और पाली जिले की मंडियों में इसका MSP से नीचे ये आ गए हैं, जबकि मॉडल प्राइस 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से कम हो गया है। इस महीने के अंत तक नई फसल की आवक मंडियों में काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में अभी सरसों के दाम में नरमी बरकरार रह सकती है। इससे किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने तो अच्छे दाम की उम्मीद में सरसों की पहले से अधिक बुआई कर दी थी। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए सरसों की MSP 5,050 रुपये तय की हुई है। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि किसान धैर्य रखे, क्योंकि सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन एक साथ बिकवाली ना करे वरना नुकसान होगा। अभी सरसों स्टोर करके अपने पास ही रखे, मई जून तक रेट फिर से उछाल में आएंगे। इस साल भी दाम MSP से ऊंचा ही रहने वाला है। यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से पहले से ही खाद्य तेलों के दाम में तेजी बनी हुई है। ऐसे में किसान नाराज ना हो, उन्हें सरसों का दाम अच्छा मिलेगा। साथ ही रबी सीजन 2021-22 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल 114.59 लाख टन सरसों उत्पादन का अनुमान है। साल 2021 में यह 102.10 लाख टन की थी। पिछले दो साल से मिल रहे अच्छे दाम की वजह से रकबे में वृद्धि के साथ ही उत्पादन में उछाल का भी अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के मुताबिक उत्पादन 125 लाख टन तक पहुँच सकता है, फिर भी खाद्य तेलों में हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण